हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो आज हम करने वाले हैं गाइडली से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 20। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये इजी शो कर रहा है, देखते हैं क्या रहता है। एंड अगर कोई भी गाइडली से कुछ भी परचेज करना चाहता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन ढूंढता है, ठीक है, तो मोस्टली जो होते हैं वो 10% ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको 12% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, RJ12, जिस पर आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी आप परचेज करोगे उस पे, सभी चीज़ों पर। ओके सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल तो मॉक टेस्ट जल्दी से। और अपना स्कोर कार्ड जो है शेयर करना, और आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपना रिजल्ट का, ठीक है, वो भी वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ओके या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो डायरेक्ट, आपका क्या स्कोर आया है, सेक्शन वाइज भी, वैसे भी जैसा आप चाहें। तो 9% है जो कि वॉचिंग द 3 मूवीज, और ये जो है 3 मूवीज दी हुई है, हॉरर, कॉमेडी और रोमांटिक, ठीक है। और इफ इट इज गिवन दैट ए इज वॉचिंग विद बी देन वो द सेम मूवी। ओके ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अभी यहां से बोथ पी और एस आर वॉचिंग द सेम मूवी बट नॉट, सो पी और एस ये हो सकती है, पी और एस ये हो सकती है। टी इज वॉचिंग विद यू बट बोथ ऑफ देम आर नाइदर वॉचिंग हॉरर नॉर विद पी, तो हॉरर वॉच करते नहीं है। और टी और यू सेम, ठीक है, पी एस टी और यू, और इधर टी और यू आ सकता है। द नंबर ऑफ द पर्सन वॉचिंग, एक सही नहीं, एक चीज देखी नहीं मैंने, एटलीस्ट टू बट नॉट मोर देन फोर, दो या चार, ठीक है, इनसे कम ज्यादा होंगे नहीं। द नंबर द पर्सन वॉचिंग मूवी, द पर्सन वॉचिंग कॉमेडी मूवी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन, कॉमेडी वाला जो है वन एक ज्यादा है हॉरर से, ठीक है। आर इज वॉचिंग नाइदर विद टी ओर एस, टी ओर एस के साथ नहीं है तो आर बचा हुआ इधर आ जाएगा। डब्ल्यू और एक्स आर वॉचिंग सेम मूवी विद आर, डब्ल्यू और एक्स, फिर डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स, ओके। बोथ क्यू और वी आर नाइदर वॉचिंग विद आर नॉर विद यू, सो क्यू और वी, तो आर और यू के साथ नहीं है, क्यू और वी, आर और क्यू, वी, क्यू हो गया, वी हो गया। कॉमेडी एक ज्यादा होगी, लेकिन इसमें टोटल 9 है, 4 4 8, देखते हैं, 4 4 9, 4 4 8, लेकिन पूरे तो हो गए। कॉमेडी वाली इज वन मोर देन द हॉरर, तो ये बन गया हमारा सही एकदम। रोमांटिक टी और यू, इफ ए इज वॉचिंग द सेम मूवी विद, ए इज वॉचिंग द सेम मूवी विद डब्ल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम मूवी विद ए, तो ए और डब्ल्यू था ना, आर और एक्स आ जाएगा, बोथ है बी और डी। हाउ मेनी पर्सन वॉचिंग कॉमेडी, फोर, मीन्स टू बोथ टी और यू, और 2% आर वॉचिंग हॉरर। सो पहला ही सही है, टी और यू आर वॉचिंग विद मूवी वॉचिंग विद पी, पी के साथ, और वी भी है, एक्स नहीं है, तो 1 और 3, 8% आर सिटिंग इन लीनियर रो, वे फोर ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड फोर ऑफ देम आर साउथ, नॉट मोर देन 2% आर सिटिंग टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ओके, ओनली 1%, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8, नॉट मोर देन 2, 4 और 4 8 हो गए। जी थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ओनली 1% यू सी सी वुड सिट एक्सट्रीम एंड, ओनली 1% यू सी, ए के राइट में 1 2 3 हो गया, 1 2 जी, फिर क्या है आगे देखते हैं। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये कैंसिल, लेफ्ट ऑफ ई और राइट ऑफ बी सेम होंगे, बी इज नॉट ए नेबर ऑफ बी, और एक साथ नहीं हो सकते,
एक चीज मैं देखता हूँ, तीन इधर हो गए, तीन इधर, या तो इधर हो सकते हैं या फिर उधर हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में बी साथ में होगा नहीं। आगे क्या है देखते हैं। बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बोथ आर सेम डायरेक्शन। अभी यहाँ पर बी इन दोनों केस इधर हो सकता है, इधर नहीं होगा, बी इसमें इधर हो सकता है। अब देखते हैं अगर ये इधर आ गया तो ये तो भी पॉसिबल है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सी हो गया, ए हो गया, दो छोड़ करके जी। 4 5 6 7 8 सी, ए दो छोड़ करके जी। अब बी अगर इधर मान लिया तो एक छोड़ करके एफ इधर होगा, ई इधर, बी अगर इधर माना तो एक तीन इधर होगा। अब जो है बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ एफ, बी हो गया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब ये अगर राइट में इतने ज्यादा हैं तो बी के राइट में 1 2 3 4 5 6, और इसके लेफ्ट में, ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल होगा नहीं। दूसरा इसी तरफ देख लेते हैं। अब अगर बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ और ये इधर, इसके राइट में ही होगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ये के लेफ्ट में इतने होंगे, इसके राइट में इतने होंगे, तो दो केस यही बनेंगे। ये वाला कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, डी यू फेसेस एफ इज नॉट नेबर ऑफ डी, तो डी आ जाएगा इधर, डी आ गया इधर। डी यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी, सो डी और बी एक साथ, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, तो ये दोनों के दोनों नीचे ही देखेंगे, 1 2 3 4 हो गए, तो दोनों ऊपर, बचा कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी रह गए, एक जी इधर आ जाएगा। एच इज नॉट फेसिंग टू द साउथ, एच तो है ही नहीं, जी जी दो बार कैसे आ गए भाई, जी का क्या सीन कर दिया मैंने, ये जी थर्ड टू द राइट ऑफ जी नहीं आएगा, नहीं इधर एच आएगा। एच इज नॉट फेसिंग द साउथ, एच नॉर्थ में देखेगा, ये खत्म। सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, 1 2 जी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और डी, 1 2 2 हैज ए और जी, ये सही है। द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन, सी ए एच और जी, सी एच और जी, जी हो गया। इफ ए और सी आर इंटरचेंज, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी और ए, लेफ्ट ऑफ ए एक भी नहीं आएगा। ट्रू बताना, डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, नहीं, ओनली वन पर्सन सी और एफ, नहीं, जी और बी आर सेम डायरेक्शन, ई और ए आर फेसिंग अपोजिट, ये सही है। डी ग्रेटर देन के, अब डी यहाँ पर है, पहले देखते हैं, डी ग्रेटर देन के पर जाना है तो डी ग्रेटर देन पी, तो वही, ये तो नहीं बने, डी ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन के, एकदम सही है। जी ग्रेटर देन जे, जी ग्रेटर देन ई, और ई जी ग्रेटर देन टी, डी ग्रेटर देन जी, ये भी सही है। एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तो भाई ये नहीं बनेगा, ओनली वन और टू आएगा। जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, सही है। बी ग्रेटर देन टी, बी ग्रेटर देन एफ हो गया, एफ ग्रेटर देन तो टी नहीं है, लेकिन आगे डी और ये भी नहीं बनेगा, और एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ ये नहीं बन सकता, वैसे आइदर और इसमें बनेगा नहीं, तो ओनली वन ही बचा है। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी नहीं हो सकता कभी भी। एक्स ग्रेटर देन एल, एक्स एक्स ग्रेटर देन एल सही है। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन एक्स हो गया, एक्स ग्रेटर देन वाई पर जाना है, वाई एफ या फिर है के,
लेकिन ये नहीं बनेगा भाई। टी ग्रेटर देन वी, टी क्या है हमारा, टी ग्रेटर देन एक्स हो गया, टी ग्रेटर देन वी पर जाना है, तो वी पर हमें एक्स टी ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन वी, एकदम सही है। 1 और 3, वाओ, तो ये है इजी। ठीक है, सो इसको भी एक बार साइड में रखते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है। बाकी फिर हमारे पास आती है 6 पर्सन 6 स्टोरी बिल्डिंग। चलो और क्या क्वेश्चन पूछे, ये मैं करूंगा नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इवन डिजिट एंड द सम ऑफ द ओड डिजिट। तो यहाँ से 6 6 10 18, 18 के बाद 18 तो इधर हो गया, ये बचिए 18 19 20, 20 और 30 हो गया, 30 आने के बाद ये 10 18, तो 12 बचेगा। फिर 14 पर्सन 2 रोज, 2 रोज है ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, अब 6 पर्सन है, डिफरेंट स्टोरी, बॉटम मोस्ट इज नंबर 1, 6 5 4 3 2 1। एंड इसमें जो है वही, ये अलग अलग इनकी बिरयानी विधि हुई है। ठीक है, पी लिव्स 2 फ्लोर अबोव द वन। ठीक है, वेयर नाइदर ऑन द टॉप और द बॉटम, सो पी ठीक है। और क्या, 2 पर्सन लिव पी और ओ, एन इज इमीडिएट अबोव, चिकन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय पी, सो ये पी आएगा नहीं, सो एन पी एन और इधर, या फिर एन इधर, तो यही बचा एक पोजीशन, एन एन दिस एन दिस, इसमें 2 पोजीशंस हैं। ठीक है, द वन हु प्रिपेयर्ड पनीर टिक्का बिरयानी 2 फ्लोर बिलो द एन, 1 2 पनीर, 1 2। फिर द वन हु प्रिपेयर्ड द फिश बिरयानी लिव 3 फ्लोर अबोव द क्यू, 1 2, या फिर क्यू इधर, क्यू इधर, 1 2 3। ठीक है, और क्या है, एम इज इमीडिएटली बिलो मिंट, एम इज इमीडिएट बिलो मिंट, एम इधर, क्यू या मिंट, एल इज नॉट, सो एल इधर आ गया और रोन इधर। ठीक है, ये बन गया प्रिपेयर बाय द एम, एम मटन, ट्रू बताना, एल जो कि चिकन, सही है, पी पनीर, ये भी ठीक है, एम ये नहीं आएगा, और ओ फिश ये भी नहीं आया, तो 1 और 2 इज ट्रू। फिश एन हो गया, एन जो कि टॉप मोस्ट, क्यू इज 3rd फ्लोर पर, फिर है क्या पूछा है, पनीर टिक्का ऑन द फॉलोइंग, हाउ मेनी पी पर्सन लिव बिलो द वन पनीर, 1 2 3 अबोव द क्यू, सही है ये मैंने, अच्छा ये छोड़ा था, और फिर आगे देखते हैं। फिर 14 पर्सन है जो कि ये हो गए, वन रो वन फेसेस टू द साउथ डायरेक्शन, सेकंड इज टू द नॉर्थ, तो इसको अभी है ना साइड में रखते हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं हमारे पास। 2 पर्सन ए और स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द बस स्टैंड, ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन एंड वॉक 5 मीटर, देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 8 टू रीच द होस्टल।
ये बस स्टैंड है, फिर क्या है हॉस्पिटल जाने, अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 12 टू रीच हिज होम। ठीक है, बी स्टार्ट टुवार्ड्स द वेस्ट 4 मीटर चला, देन टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 टू रीच द बीच। ठीक है, इन द बीच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए होम। सो ए का होम ये रहा, बीच ये रही, नॉर्थ और फिर वेस्ट। टोटल डिस्टेंस बाय द होम टू बीच, होम टू बीच 12, 20, 30, 39। इफ द ऑफिस इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ, अगर यहाँ पर हुआ 3, ठीक है ये होगा इस शॉर्टर डिस्टेंस बस स्टैंड और 3 हो गए तो 5 आ जाएगा इसका। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डी और सी, ओके अलग आ गया ये। 5 पेंट्स है जो कि डिफरेंट लेंथ है, द लेंथ ऑफ द पेंट ए इज मोर देन ई, ई जो कि ए इज मोर देन ई, ई विच इज लेस देन, ई लेस है डी से। द लेंथ ऑफ द पी इज द लीस्ट अमंग ऑल, 1, 2, 3, 4, 5 बी हो गया सबसे कम। द नंबर ऑफ द पेंट मोर देन द लेंथ ए सेम एज द लेस देन द सी, बी अगर इधर तो ए मोर देन सी यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये ई भी आएगा इधर, फिर बचेगा द पेंट डी का हम कैसे पता लगाएंगे। ओके ए बी सी डी, अच्छा डी तो बच गया एक, वो तो गया एक ही तो बचा। मैं भी द पेंट विच हैज द सेकेंड लिस्ट 160, द सम ऑफ द डी और सी, डी का कितना हो जाएगा यहाँ से ये गया तो 200, 190, 190 डिफरेंस बिटवीन डी और ए, ये 180 हो गया। लेंथ ऑफ द ई 180 से कम होगा और 160 से ज़्यादा, तो इधर ए और सी, ए और सी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ए और सी ही आएगा। ये द लेंथ ऑफ द पेंट ई इज 10 मीटर मोर देन दैट ऑफ सी, तो ये हो गया। एंड ई इज 50 लेस देन दैट ऑफ डी, यानी कि 220। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डी, 220। हाउ मेनी पेंट्स आर लेस देन द ए, 1, 2, 3। और मैंने क्या छोड़ा है भाई ये, ओके हाँ ये छोड़ा एक, फिर 6 पर्सन है और जो कि 14, 23, 14, 23, 14, 23, 14, 23, दो चार दो छ, फिर यहाँ पर मंथ जो गिवन है इनके जनवरी अप्रैल और अगस्त, अगस्त 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ओके ठीक है। ठीक है, एस हु लाइक एप्पल जॉइन एन इवन नंबर डेट आफ्टर मार्च, आफ्टर मार्च मार्च फिर अप्रैल, कि अप्रैल भी आएगा तो एस जो कि एप्पल और इवन डेट एस इधर आ सकता है, एप्पल और एस इधर भी एप्पल, ओनली 2 पर्सन एस और आर, और यू ज्वाइंट इमीडिएट बिफोर आर, और यू एंड द वन हु लाइक मैंगो ज्वाइन द, यू एंड द वन हु लाइक मैंगो ज्वाइन द कंपनी ऑन द सेम डेट बट इन द डिफरेंट मंथ। सो यू और द वन हु लाइक मैंगो, तो मैंगो इधर आ जाएगा, 14, 14 मैंगो इधर, फिर आगे क्या है, द वन हु लाइक फिर इज इमीडिएटली आफ्टर द मैंगो, वन पर्सन ज्वाइन बिटवीन फिग और क्यू, क्यू इधर एक छोड़ के इधर आएगा, क्यू क्यू लाइक ग्रेप्स, टी और क्यू डिफरेंट डेट्स,
23 है तो टी और क्यू आ गए इधर, बचा कौन सा, पी बच गया ना, एक पी आ गया इधर। द वन हु लाइक ऑरेंज 3% बिफोर द पी, 1 2 3, ये होगा नहीं, एप्पल हो गया, ऑरेंज कीवी रह गया, कीवी इधर ही हो गया। फॉलोइंग पर्सन ज्वाइंड ऑन अप्रैल, मैंगो टी और पी है, जो भी मैंगो है और कीवी नहीं आएगा, ऑरेंज यू, ट्रू बताना है, पी जो कि फिक्स सही है, टी कीवी नहीं है, आर कीवी एकदम सही है, तो 1 और 3। इफ ऑल द पर्सन जो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम January 14, पी क्यू आर एस टी यू, एक भी नहीं आएगा, रिमेन्स अनचेंज, सारे के सारे अनचेंज है, सॉरी सारे के सारे चेंज है। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन एस और आर, 1 2। ठीक है, अब ये देखते हैं, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर, एक सेकेंड, फर्स्ट कॉन्सोनेंट हो गया, लास्ट वोवल हो गया, फर्स्ट लेटर वोवल और ला, फर्स्ट एंड द लास्ट आर बोथ आर वोवल, फर्स्ट वोवल लास्ट लेटर, ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है कॉन्सोनेंट और लास्ट है वोवल, देन द कोड ऑफ बोथ आर इंटरचेंज, सो ई का क्या होगा, ये हो जाएगा टी का, हमारा क्या है, टी का है 4, सो आई 4, ये यही लग रहा है मुझे, तो टी का फिर टी का कितना है, टी का तो ओके 4 है, आई का तो 6 आएगा ना, गलती कर दी, आई का आएगा 6, ये हो गया 6 और फिर 4, ये हमारा ये था, आई 6 हो गया, टी हो गया 4। अब ये भी देख लेते, दोनों ही बोथ आर कॉन्सोनेंट, तो देखो बोथ आर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर है एल, एल का क्या है हमारा 9, बोथ 9, ओके सही है। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसका क्या बनेगा, ये आई और आई यानी कि सेम होना चाहिए ना, नहीं सेम तो जरूरी नहीं है, लेकिन लिख के देखते क्या बनता है, ई हो गया 9 का, 9 और फिर 6, 9 का हो गया एल, 6 का हो गया आई, कि आई ए ई एल आई, और परसेंटेज का है के, फिर ये आ गया ई एल आई के, तो ये दोनों ही वोवल होंगे आई थिंक, अगर फर्स्ट एंड द लास्ट वोवल, द बोथ कोडेड एज अ लास्ट, लास्ट यानी कि ई का, ठीक है ये। वट इज ओके, सो यहाँ पर देखते हैं स्टार कहाँ है भाई, स्टार तो शो ही नहीं कर रहा मुझे, स्टार तो दिखे नहीं रहा, ये रहा ओके, इधर फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट वोवल लास्ट कॉन्सोनेंट, देन बोथ आर कोडेड एज स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं एट द रेट का क्या है, वी हो गया और वी ई, टू का हो गया एन, वी ई एन, और यहाँ पर फर्स्ट लेटर इज वोवल और लास्ट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, और दोनों ही जब कॉन्सोनेंट हैं तो कोडेड एज अ फर्स्ट लेटर, तो जी का क्या है 7, बहुत 7 7 हो गया, ठीक है। सी और जी दोनों ही, तो फर्स्ट लेटर के हिसाब से हो जाएगा, सी का है 1, तो 1 और 1 होगा लास्ट में आगे पीछे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो इजी ही था ये, है ना, ये थोड़ा सा इजी इन्होंने बना दिया अभी, अभी मैं उसको तो नहीं करूँगा, क्वांट करते हैं अभी, 15 3 45, फिर है 225, तो यहाँ पे 11 का वैसे होता है 121, तो 4 0 और 1, तो 149 हो जाएगा इसका। यहाँ पर है 98 प्लस में, तो यहाँ से 137, 38 39 हो गया, इंटू 4 करें 9 चौक 36 का 6 3 4 3 12 13 14 15, 68 जाएगा, 8 आ गया, और यहाँ पे 14 4 4 8 88,
यहाँ पे बने 36 अंडर द रूट प्लस में ओ ये है 1/8 इंटू में 1 1 1 कटेगा कैसे भाई अब ये तो कटेगा ही नहीं। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी लूं तो 8 एकम 8 3 और 2 8 चौक 32 14 आ गया। 14 जाएगा तो 90 180 180 / 36 18 36 5 आ गया तो 25 आना चाहिए इसका। एक्स परसेंटेज ऑफ 1 1 6 वो 25 चौके 100 216 162। अब यहां से हम 8 1 हो गया और 108 9 एकम 9 दुनिया 18 9 हो गया 4 आ गया 3 आ गया 4 आएगा 25 25 75 1 1 1 -2 1 1 हंड्रेड आएगा लेकिन माइनस का आएगा फिर 144 में से जाएगा तो 44 बचेगा इक्वल टू एक्स माइनस 4 चौक 16 उधर जाके 16 प्लस हो जाएगा तो 60 बनेगा ही। ये देखते हैं प्लस में 1 1 फिर प्लस 2 2 फिर प्लस 3 3 4 4 फिर 5 5 कर देंगे 189। यहाँ पर इंटू 0.5 फिर इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 करेंगे 6 दुनी 12 फिर 2.5 ठीक है। यहाँ से इंटू 7 किया फिर इंटू 8 हो रहा है आई थिंक ये 8 6 48 4 8 40 44 तो 7 8 9 10 हो गया फिर 11 होगा तो 11 होगा 0 2 5 3 4 4 44 35 20 44 35 और 20। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये प्लस में नहीं माइनस का 0.5 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 2 और 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और 4 4 2 8 4 3 12 माइनस का 143 करेंगे यहां से 13 14 15 हो गया। प्लस में 15 फिर प्लस 21 फिर प्लस 3 और 3 यहां से 6 हुआ 2 और 1 12 फिर प्लस 6 12 तो फिर कितना हो सकता है भाई 6 12 के बाद फिर ये पता नहीं कितना होगा 6 12 एक बार 18 करके देख लेते हैं फिर 24 तो 18 करेंगे 8 9 10 और 11 4 और 1 5 फिर 74 में 51 ऐड करते हैं तो 5 125 होना चाहिए 4 1 5 75 सही है एकदम। प्लस प्लस 4 चौक 16 प्लस माइनस 4 और 3 तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। प्लस 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 और 3 2 6 और 1 9 इंटू 3 इंटू 2 3 2 6 और 9 6 हो गया तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ पर प्लस प्लस हो गया 11 इंटू 7 इंटू 7 चौक 28 और 11 ये तो नहीं बना तो इसको तोड़ देते 7 2 14 11 2 22 6 और 3 36 बन गया 22 और 14 ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं सिंप्लीफाई करूं तो कितना बनेगा यहाँ से वाई स्क्वायर 29/5 = 3y/5 तो 20 से हमें करना पड़ेगा इसको या 4 ये भी 4 20 से 20 गया वाई स्क्वायर 4 3 12 वाई प्लस 9 6 36 6 6 36 हो गया तो प्लस प्लस 6 और 6 बनेगा और ऊपर से 4 भी था तो 6 6 24 और 24 यानी कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब देखते हैं 4x² हो गया प्लस में 4 2 8 और 4 3 12 1 0 2 8 0
जीरो नाइन तो कितना बनेगा 225। तो एक्स की वैल्यू अब कितनी आएगी, प्लस माइनस 15 15, एंड यहाँ से 8y² - 160y 512। तो 8 8 2 0, ये कितना होता है 8 8 64 हो गया सिंपली वाई स्केयर। तो 16 चौक 64, 16 और 4, लेकिन माइनस प्लस माइनस भी बनेगा ना, तो ये इसीलिए खत्म ही हो गया। नेक्स्ट जो है अब यहाँ से इसी को देख लेते हैं, 6 में से 5 गया 1 और 5 3 8, प्लस माइनस ये बनेगा हमारा 9। अब यहाँ पर कितना बनेगा, 3x + 110x = 2x - 21। ये उस तरफ जाके सिर्फ x रह जाएगा और ये इस तरफ आके प्लस का 21 हो जाएगा = 0। अब ये कितना, x² + 21x + 110 = 0। यहाँ पर माइनस माइनस बनेगा 11 और 10। ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यानी कि x इज ग्रेटर देन y हो गया। फिर आगे है द टोटल नंबर ऑफ द सीड्स प्रोड्यूस इतने, और ये तो प्रोड्यूस हो गए सनफ्लावर सीड्स। द क्वांटिटी ऑफ फ्लावर सीड्स यूज फॉर मेकिंग ऑयल एंड द क्वांटिटी ऑफ सीड्स यूज फॉर प्रोडक्शन। मेकिंग ऑयल के लिए इतना है, ए बी सी डी और ई। पहले है ऑयल और फिर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ से 8 2 16 4 2 8 1 9, 1040 इधर बच गया। फिर इधर है 15 6 90, तो 900 ही आ गया, तो 600 बचेगा। 9 7 63 और 9 3 27 55। अब ये देखना पड़ेगा, तो 1655%, ये 16 5 80 होगा, इंटू 11 करेंगे 0 8 8, 8 8 और 0 ऑयल का, और यहाँ से 6 720, हाफ करेंगे तो 150 1150, और ये भी 1150। द क्वांटिटी ऑफ द सीड यूज बाई बी फॉर द प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ द ए फॉर ऑयल, 600 960 ये आ गया, 2032 8 और इधर 5 1/2 12 इधर बना, तो 12.5 5 करेंगे 12 5 60 62, ये बनेगा ना, हाँ नहीं 12 5 60, हाँ सही है। द रेशो ऑफ द टोटल सीड, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस बी 15, इंटू 7 4 5 0, अब 7 5 35 5 3 12 7 84 85 86 87, सो ये आ गया। एंड द क्वांटिटी फॉर मेकिंग ऑयल इज 2/3, 5/3 सीड प्रोडक्शन बाय सी, प्रोडक्शन बाय सी 9 5 45 5 2 4, ये प्रोडक्शन के लिए हो गया 425। क्वांटिटी ऑफ द सीड फॉर एफ, एक सेकेंड, सीड प्रोड्यूस बाय ये होगा 875। द सीड एफ फॉर मेकिंग ऑयल 2/3 मोर, यानी 5/3, देन द नंबर ऑफ द सीड सी के प्रोडक्शन से 9 5 45। डिफाइन द प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सीड पर्पस फॉर अदर देन मेकिंग ऑयल, तो 425 ही आएगा। रेशियो द क्वांटिटी ऑफ सीड यूज बाय डी फॉर मेकिंग ऑयल, डी फॉर मेकिंग ऑयल एंड द ए फॉर प्रोडक्शन,
86, 104, 26, 22, 11 और 13। तो क्वांटिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस बाय ए और सी, ए और सी इज 25% लेस, ए का 25% लेस करेंगे तो 2, 4, 0, 9, 6, 0, 0, 2, 7, ए आ गया 720। सी का 10% ज़्यादा होगा तो 630, 63, 6, 9 और 3। प्रीवियस द सीड यूज, सीड यूज्ड बाय ए और सी मेकिंग ऑयल एक्स प्लस पांच सौ दस और एक्स द सम ऑफ द सीड यूज फॉर ए और सी प्रोडक्शन 1200। 3 ही हो गया 9, 10 और 11, 7, 2, 14 बनेगा कैसे भाई, ये तो कुछ गलत ही आ रहा है। अरे यार मैंने गलती कर दी ना इधर, ये नहीं आएगा। 25% लेस करेंगे 1/4, अगर इसका मैं कहता हूँ 5 और 1500, 1500 तो ये आ गया 10%। सी का 90, 990, ठीक है 0, 9, 24, 0, 9, 2 और यहाँ 7, 510 था ये 510, 0, 8, 7 तो 390, 390, 510, 5, 3, 8, 900 हो गया 390 हो गया, एक्स हो गया भाई 390। टोटल सीड प्रोड्यूस बाय पी 290 मोर देन दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीड ई फॉर प्रोडक्शन। 3, 4, 1440 एवरेज सीड सी और पी प्रोड्यूस्ड, सी 90, 0, 4, 23, एक आ गया फिर एक, ठीक है 1 अब देखते हैं एक तो 3x हो गई ये प्लस में 6 2 12 ही हो गया 12 और 3 18, 30, 30, 60 और 1 70। 70 तो एक्स की वैल्यू आ गई 10%, ठीक है सीधी सी 10% है। आगे हम देखते हैं ये ऊपर वाला जो है 16 और 20, 26% हो गया ये। इन द क्वांटिटी ऑफ द कॉर्न एंड ऑनियन तो इनको लिख लेते हैं, पोटैटो ऑनियन कैरेट कॉर्न और गार्लिक, ये हो गया भाई पहला पोटैटो, पोटैटो 18%, 18, 10, 26, 30, 16। शॉप सोल्ड इन तो 1800 का 450। अब 10% 250 हो गया 26, 1/4 करेंगे 13, 650, 30, 25 से 75 यहाँ पे 1600 का 400 ऑनियन। द रेशियो ऑफ द कॉर्न एंड ऑनियन अनसोल्ड इज इतना एंड द टोटल नंबर ऑफ द सोल्ड एंड अनसोल्ड इज डबल द क्वांटिटी ऑफ ऑनियन प्रोड्यूस पोटैटो सोल्ड इज इक्वल टू द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द टोमेटो एंड बीटरूट सोल्ड। एवरेज है तो 900 हो गया टोटल एंड द टोमेटो इज 3x मोर। मोर देन द गार्लिक
ये पता कैसे चलेगा? थ्री एक्स परसेंट मोर देन दैट ऑफ गार्लिक। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कैरेट सोल्ड टू द गार्लिक सोल्ड। कैरेट और गार्लिक 13 और 8। द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पोटैटो एंड ओनियन सोल्ड टूगेदर। वन बाय 13। अच्छा 1% आए तो 25 ही आएगा ना। द क्वांटिटी ऑफ द कॉर्न सोल्ड बाय एल 150% मोर 300। एम में कॉर्न द क्वांटिटी ऑफ द ओनियन सोल्ड बाय द एल इज अप्रोक्सीमेटली 1%। तो 5/6 53, 208 और 83 समथिंग आएगा। आर्यन इन्वेस्टेड रुपीज पी इन ए सिंपल इंटरेस्ट और एट द रेट ऑफ 4% फॉर 2 ईयर्स। द आर्यन इन्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट रिसीव बाय द आर्यन इज 2/ कि इंटरेस्ट मिला 2x 5x पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये गया 5 × 10 और आ गया 20%। ओके द साई इन्वेस्टेड 6000 द रेट फॉर ओके वीर इज इफ आर्यन इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट इन द अमाउंट का हम कैसे पता लगाए लेकिन कि कितनी अमाउंट मिली है अमाउंट का तो पता ही नहीं। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट के लिए और 2 साल के लिए तो 44% इसको मिलेगा सिंपल और इंटरेस्ट तो 4% की वैल्यू 90 45 हो जाएगा। द राम इन्वेस्टेड 3000 सिंपल इंटरेस्ट जो कि 15 per annum फॉर 4। तो इसी का हमें बताना है अभी। तो ये क्या 15 × 60 0086 1800। वीर इन्वेस्टेड 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 15 ठीक है 12 15 × 75 3/4 3×3 900 हो गया। एंड द रेशियो द इंटरेस्ट इज बाय द साई और वीर वीर का गया 5 7 0 8 7 56 5 7 5 12 साई को मिला है इतना। तो साई का टाइम पीरियड हमें बताना है तो ये 2 साल का लग रहा है मुझे 10 10% तो 2 साल हो जाएगा ये 1/5 ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं कि इतना था इसने 1000x लगा दिए 2 साल के लिए 44% ठीक है एट द फॉर 2 ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सम ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्स रुपीस इज इतना सम ऑफ इंटरेस्ट ये सिर्फ इंटरेस्ट है और एक्स यानी कि 500x। तो ये बन गया 500x प्लस 4544x 4896। आई थिंक ये 9 × 9 = 36 का 6 3 36 37 38 3 45 3 हाँ एक्स की वैल्यू होगी 9। पूरा पूरा 9 पर गया ये 9 × 5 = 4500 आ जाएगा इसका आंसर। इफ ए और बी आर इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर
invested 20% more than that of B. The end of the year total profit, total जो profit है 4455 into 11 405, share of the 25 5 20, so 20 25. Income of A is 7/5 of the expenditure of A is इतना more than that of B, और B saves 20% of his income. B ने save किया 20%, 5 2 10 save किए, ठीक है, और A saves इतने रुपीस. A ने अगर इतना save किया है 7500, find the income of the B. तो ये 40 की वैल्यू है, ये 40 इस तरह जाएगा, 30 की वैल्यू आ गई 4500, A की वैल्यू आ गई 15 7 105 0. इनकम ऑफ बी बतानी थी ना, 15 5 75. सो अभी स्कोर देख लेते हैं क्या बना है हमारा. मॉक टेस्ट नंबर ये हो गया कि तो गलत हो गए यार, दो क्वेश्चन कौन से गलत हो गए, एक तो ये कैसे गलत हो गया. ठीक है अभी देखते हैं इसको, y ग्रेटर देन ये आना था, और कौन सा एक ये गलत हो गया. द क्वांटिटी ऑफ द पोटैटो एंड ओनियन टुगेदर, पोटैटो और ओनियन जो कि 28 है, ओके वो 26 था यार, 26 था ना शायद, 20 सोचे यही था क्या. ये गार्लिक मोर देन दैट ऑफ कैरेट कितना है, 26 ही था, दो आया था, दो के एक की वैल्यू 25, तो दो की वैल्यू 50 आनी थी. ये छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने. अब एक सेकंड में ये देखता हूँ कितने लोगों ने किया ये करेक्ट, 16%, यानी कि मैंने सही छोड़ा इसको, करने के लिए नहीं थी ये पजल, फंसने के चांसेस थे. सो अभी एनालिसिस देख लेते हैं, तो इसका परसेंटाइल जो बना है मेरा 96 बना है ओवरऑल. तो आप लोग भी लगाना ही मॉक टेस्ट, तो बताना आपका क्या स्कोर आया. एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.